तो आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। जैसा कि देख रहे हैं एक ये एम आई का एक फ़ोन है, 5A, 5A मॉडल है, जो कि इसमें एम आई अकाउंट लगा है। तो दोस्तों हम इसके एम आई अकाउंट इजिली रिमूव करेंगे UMT से। UMT का सेटअप आपको हम दिखाएंगे कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये लास्ट तक देखें, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये 5A सेट है, इसमें एम आई अकाउंट लगा हुआ है, तो प्रॉपरली हम इसमें देखेंगे सारी चीज़ें। ये हमारा सेट है, अब इसे हम UMT से इजिली इसको MI अकाउंट इसका रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MI अकाउंट लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम अपने आगे देखते हैं, उसमें आपको अपने डेस्कटॉप में दिखाते हैं कि इसमें कैसे इसकी इजिली MI अकाउंट हम रिमूव कर सकते हैं 5A की। ओके तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था एक 5A का सेट है, जो कि 5A इसकी पहले तो हम इसकी देखिए, पहले MI अकाउंट है, तो सबसे पहले तो इसकी MI अकाउंट हटाएंगे, फिर देखेंगे उसमें FRP लगती है कि नहीं लगती है। तो सबसे पहले दोस्तों तो मैम उसकी FRP हटाएंगे, तो वीडियो आप लास्ट तक देखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, हम UMT से ही करेंगे, UMT कॉलकम के लिए बेस्ट है, मैं आपको पहले ही बता दूं। UMT से आप इजीली काम कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हम आपको आप मेरे UMT खोलेंगे, UMT खोल करके वो सारी चीज़ें आपको इंटरफेस दिखाएंगे। आप ये UMT का किसी फायर ये आपका सेटअप है, मैंने डिवाइस मैनेजर साइड में खोल के रखा है, मैं हमेशा डिवाइस में इसलिए आपको खोल के रखने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर अगर आप यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें, पोर्ट की नॉलेज बिना पोर्ट आप अगर पोर्ट नहीं बनाता है तो आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और सारा चीज़ आप काम कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ MI अकाउंट हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। वन क्लिक में इसकी MI अकाउंट आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें FRP भी लग सकती है, तो FRP अगर लगती है तो मैं FRP भी आपको वन क्लिक में इसकी FRP रिमूव करके दिखाऊंगा। तो चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं, इसमें Xiaomi स्पेशल में जाएंगे। Xiaomi स्पेशल में जाने के बाद यहाँ पर रिसेट MI अकाउंट लिखा हुआ है, उसके पहले हम फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं। फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए दोस्तों मैंने आपको ADL में, जैसा कि आपको दिखाया गया है, ADL में पोर्ट बनाया गया, और ADL में पोर्ट बनाने के लिए आपको वहाँ पे स्क्रीन में एक इमेज दिख रही होगी, और उसके थ्रू आप इमेज बना सकते हैं, पोर्ट बना सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियो होंगे दोस्तों, पर उसको सही वीडियो फाइंड करके नहीं बना सकते हैं, तो मैं इसको ADL कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कॉलकम का QZ Router 9008 पोर्ट बना लिया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली रिसेट MI अकाउंट कर देना है। उसके बाद अगर नहीं होता है तो डिसेबल MI अकाउंट करेंगे। तो पहले तो हम सबसे पहले रिसेट MI अकाउंट करेंगे और देखते हैं कि हमारा रिसेट होता है कि नहीं, हमारा पोर्ट कनेक्ट हो गया है, पोर्ट सही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, इसका जो लोडर है, लोडर एरर, अगर दोस्तों कभी लोडर एरर आता है तो यहाँ पे देखिए ऑटो लोडर पे टिक है, इसको लोडर को टिक करेंगे। यहाँ पे 5A का आप लोडर दे देंगे, firehouse.xml फाइल आप होती है, वो सारी चीज़ें अगर स्टेप बाय स्टेप आपको जानना है तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप चुटकी में आपको सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, फ़ोन रिसेट MI अकाउंट डाटा क्लीन कर रहा है, और हमारा फ़ोन ये रिसेट हो चुका है, MI अकाउंट हमारा जो था रिमूव हो चुका है क्लियरली, और फिनिश हो चुका है। हमारा फ़ोन ऑन भी हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, वो आपको हम स्टेप बाय स्टेप चालू करके दिखाएंगे कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं। उसको देखने के लिए अब हम अपने मोबाइल पर दिखाएंगे कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ। अगर दोस्तों इसमें अगर MI अकाउंट हटाने के बाद FRP लगता है तो मैं जस्ट इसकी FRP भी तुरंत हटाऊँगा। अगर FRP नहीं लगी होगी तो हम कोई बात नहीं है, हम उसकी FRP नहीं हटाएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप देखे हैं अभी एक फ़ोन था, वही MI का, जो हमने इसका 5A फ़ोन है, जो कि इसका टेस्ट पॉइंट मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो दो टिप्स दिख रहे हैं इसका, ये टेस्ट पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट में कनेक्ट करने के लिए कैसे कनेक्ट करते हैं सारी चीज़ें आपको फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे MI अकाउंट हमने हटाया, रिमूव किया इसका, MI का 5A है, और इसमें देखते हैं बूटिंग करेगा। और फ़ोन अगर देखते हैं दोस्तों, अगर ये FRP पे जाता है तो हम इसकी FRP भी वन क्लिक में इसकी FRP भी रिमूव करेंगे। पहले तो हमने इसमें MI अकाउंट लगा हुआ था, और देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा बूटिंग के टाइम में टाइम लगता है, तो फिर भी कोई बात नहीं है, फ़ोन हमारा बूट कर चुका है, हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। हम देखते हैं इसमें जो हमारा MI अकाउंट था दोस्तों, देखिए MI अकाउंट हमारा हट चुका है, सारी चीज़ें हट चुकी हैं। यहाँ पे अब अपना कंट्री लेंगे, कंट्री लेंगे और देखेंगे सारी चीज़ें। जैसा कि आप देख सकते हैं अब इसको नेक्स्ट करेंगे, अब नेक्स्ट करने के बाद स्किप करेंगे और फिर स्किप करेंगे, स्किप करने के बाद न्यू सेटअप करेंगे। दोस्तों ये देखिए 5A सेट है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें अगर FRP लगती है तो FRP भी इसकी वन क्लिक में हम रिमूव करेंगे, पर उसके लिए हमें लास्ट तक जाना होगा, ये देखना होगा कि इसमें FRP लगी है कि नहीं लगी है। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और
फाइनली सेटअप पे आ चुका है। अगर इसमें FRP लगा होगा दोस्तों तो मैं बता दूँ ये बैक चला जाएगा, और FRP नहीं लगा होगा तो ओपन हो जाएगा। मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको डायरेक्टली लाइव दिखा रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल में FRP लगा है कि नहीं लगा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ये सारा दोस्तों स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है आपको। सारी चीज़ें मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक हर एक चीज़ बताता हूँ, हर एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाता रहता हूँ। ये वही वो सेट है, 5A है, और अब देखते हैं थोड़ा फाइनली सेटअप में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, मतलब दोस्तों FRP नहीं लगी इसमें, इसमें केवल MI अकाउंट ही लगा था, और MI अकाउंट लगने से ही मैं अगर चाहता तो इसमें FRP भी हटा सकता था। बट दोस्तों कोई भी फेक वीडियो हम नहीं बनाते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसमें केवल MI अकाउंट लगा हुआ था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ईजिली, आप यहाँ पर MI अकाउंट रिमूव हो चुका है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, और बेल आइकन दबाएँ जिससे कि नए अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक्स यू। Thank you.